तो हेलो का स्वागत है आपका पोकेमोन अनबाउंड की एक ब्रांड न्यू सीरीज में। और ये ना फर्स्ट एपिसोड होने वाला है और इसका आइडिया ना मुझे दिया WCS गेमर्स ने। और उन्होंने कहा था कि अपना पॉपुलर गेम्स खेलो ताकि आपको अच्छे खासे व्यूज मिल पाए। तो इसलिए ना आज से हम करने वाले एक न्यू गेम का गेम प्ले की सीरीज स्टार्ट, जो कि होने वाले पोकेमोन अनबाउंड, और आप देख ही पा रहे होंगे। और ये ना हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है अभी के लिए। और ये ना पोकेमोन अनबाउंड V.20 एपिसोड 20 अपडेट वाला जो गेम प्ले ना वो होने वाला है, अगर मैंने सही से नाम प्रोनाउंस करा है ना तो ठीक है, अगर गलत करा तो यार सॉरी। तो अभी के लिए ना हमारी गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है और ये हमें कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें पजल्स पसंद है कि नहीं, ईजी मोड रखना है कि नहीं। तो अभी के लिए ना हमारी गेम को स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पर ये पूछ रहा है फेरी टाइप वीकन द पॉइजन टाइप, ओके यस पर क्लिक कर देते हैं। और ग्राउंड टाइप फ्लाइंग टाइप से कमज़ोर, ओके विनहाला, ओके यहाँ पर ना कुछ बता रहा है कि यहाँ पर डिफ़िकल्टी रखनी है या ओके चूज द ओके गेम्स डिफ़िकल्टी हैज़ बीन ओके ठीक है। तो अभी के लिए मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ना देखो यार पोकेमोन्स की फाइट हो रही है और पता नहीं घमासान युद्ध मचा पड़ा है सभी पोकेमोन्स के बीच। और यहाँ पर ना पोर्टल खोल दिया है, पता नहीं यार क्या ही हो रहा है इस गेम के अंदर यार, सभी को पोकेमोन्स के अंदर ना पता नहीं क्या ही चुल मची पड़ी है कि आपस में सभी पोकेमोन्स जो है फाइट करे जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्टीलिक्स दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही पोकेमोन दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। और तुम राइट साइड में देखो यहाँ पर ना, अरे शायद से हमारी गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है और ये ना इंट्रो चल रहा है शायद से, हाँ ये इंट्रो ही है यार, इंट्रो चल रहा है ये हमारी गेम का। और यहाँ पर ना एक पोकेमोन है, ये लेजेंडरी टाइप है कि भाई साहब इसके कितने ज़्यादा ही हाथ है। और ये पोकेमोन ना शायद से हमारी गेम का मेन पोकेमोन होने वाला है और इसने ना चारों तरफ फायर ही फायर कर दी है। तो यार ये लेजेंडरी पोकेमोन आ चुके, आर्टिकवानो आ गए, यहाँ पर जेपडोस भी आ चुका है और यहाँ पर मोल्ट्रेस भी आ चुकी है। और साथ से ना इस पोकेमोन ने ना तबाही मचा रखी थी, तो इसको रोकने के लिए ना ये तीनों लेजेंडरी बर्ड्स जो है आ चुके हैं यहाँ पर। इसकी और इसकी पावर्स को ना इन्होंने शायद से कहीं कैद कर दिया है या फिर शेड ऑफ इट्स फॉर्म, ओके पता नहीं क्या ही कर दिया, लेकिन इसकी पावर को ना शायद से इन्होंने ख़त्म कर दिया फिलहाल के लिए 3 लेजेंडरी पोकेमोन्स ने। तो 16 साल पहले ओके हुपा, अच्छा इस पोकेमोन का नाम ना हुपा होने वाला है। और यहाँ पर ना चलो आई वरी ओल्ड फ्रेंड, ओके आई वॉन्ट टू एबल टू प्रोटेक्ट यू इफ सी ट्राई समथिंग, नो सी विल ट्राई समथिंग। और ना इस पोकेमोन के पीछे ना शायद से कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं, जैसे टीम रॉकेट होती है ना वैसे ही। और ये बंदा जो है इस हुपा पोकेमोन को बचाना चाहता है, तो ये कह रहा है कि तुम पोकेबॉल के अंदर चले जाओ और ना फिर मैं तुम्हें सी के अंदर फेंक दूंगा जिससे कि तुम सुरक्षित रहोगे और जो बुरे लोग हैं वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये भाई साहब ये पोकेमोन जो है अब इसको ना पोकेबॉल के अंदर डालकर फेंक देगा और ये कह रहा है कि मेरे बच्चे को भी सुरक्षित रखना और उसको डेंजर से बचाना। भाई साहब मुझे इसकी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा गजब की लग रही है अभी के लिए। चलो इस पोकेमोन को डाल दिया इसने पोकेबॉल के अंदर और पोकेबॉल को पानी में फेंक दिया है। तो चलो ये बंदा भी अभी के लिए ना जा चुका है, चलो अभी जा रहा है, चलो ठीक। 15 साल बाद ओके 15 साल बाद ना एक बच्चा है जो ओशियन के अंदर खड़ा है, ओशियन के बाहर खड़ा है सॉरी। हाउ कैन आई फुलफिल ग्रैंड पास विश, आई कैन नॉट कैच ए सिंगल पोकेमोन, ओके आई प्रोमिस हिम आई वुड फिनिश द वार बट राइट नाउ आई कैन नॉट इवन बिगिन द फैंटम द पॉसिबिलिटी। यहाँ पर वट एवर शुड आई डू, ओके शायद से ना वो हुपा पोकेमोन जो था वो आ चुका है भाई साहब, उसकी पोकेबॉल आ चुकी है और यहाँ पर ना पियर भी हो चुका है। और ये शायद से ना ये बंदा इसको पकड़ने का ट्राई करेगा या फिर नहीं भी कर सकता, तो कह तो रहा था कि मुझे पोकेमोन पकड़ना है, इसके पास पोकेमोन भी नहीं था। और अभी के लिए ना ये शायद से पकड़ने का ट्राई करेगा इस पोकेमोन को, और ये लेजेंडरी टाइप होने वाला है तो क्या अब तक पकड़ भी ले इसको। और अभी ना ये बंदा पकड़ने की ट्राई कर तो रहा है इस पोकेमोन को लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा। और यहाँ पर ना कुछ बुरे लोग आ चुके हैं जैसे टीम रॉकेट है ना, यहाँ पर शायद से इनके 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ही नहीं पकड़ पा रहे। और ये ना अपने असली फॉर्म में आ चुका है, लेकिन यहीं पर हमारा इंट्रो ख़त्म हो चुका है। चलो शायद से ना अब हमारी मेन गेम जो है, हमारी मेन जो गेम है ना स्टार्ट हो चुकी है प्रेजेंट डे के साथ और हमारा मेन करेक्टर शो रहा है। चलो अभी के लिए यहाँ पर हुपा पोकेमोन जो है यहाँ पर है, चलो
चलो। और इसने ना कोई पोर्टल खोल दिया है बिल्कुल, और इसने ना हमें पोर्टल के अंदर अंदर धकेल दिया है, और एक सेकंड इसने ना हमें किसी लैब के अंदर फेंका है, और अब वहाँ पर ना मुझे कोई ग्रंट दिख रहा है, वो विलन टाइप के लोग थे ना, उनका ही कोई ग्रंट खड़ा है साथ से ना हमें विलन्स के अड्डे पर आ चुके हो रही है ना, साथ से हमें कैद कर लेंगे अब। अरे यार इन्होंने इन्होंने हमें अब कैद कर लिया, पता नहीं हम निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ओके ये उपा पोकेमोन जो है यहाँ पर आ चुका है, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। और यहाँ पर ना वो विलन बंदा था जो इसको साचे ने, वही बंदा है जो कि इसको शुरू में पकड़ने का ट्राई कर रहा था ओशियन के पास जब उपा पोकेबॉल से बाहर आया था। और ये ना साचे किसी बुरी टीम में ज्वाइन हो चुका है ये बंदा, और अब ना ये बड़ा भी हो चुका है अभी के लिए, और ये अभी तक ना इस पोकेमोन को पकड़ नहीं पाए क्योंकि इसके पास ना पावर है टेलीपोर्टिंग की, तो ये ना टेलीपोर्ट हो जाता है, और ये बंदा ने इसको पकड़ ही नहीं पा रहा, और ये पोकेमोन जो है इसके अड्डे में आ रहा है तो फिर भी नहीं पकड़ पा रहा इसको, और हम देखो यार बेहोश पड़े हुए हैं। आई एज आई यू ट्रेनर, ओके यहाँ पर ओके वो पोकेमोन जो है चला गया है, वेट नाउ दैट्स अबाउट थिंग द वर्क विद दिस। ओके अभी के लिए ना ये बंदा जो है जा चुका है, और हम ना उठ चुके हैं, चलो हमें ना बेहोश हुए थे शायद से, तो हमें ना इस अड्डे से बाहर जाना होगा कैसे भी करके, तो अभी के लिए ना जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ना एक पोकेबॉल पड़ी है, क्या है इसके अंदर, चलो यहाँ पर ना पोशन पड़ा था, वो पोशन ले लिया, अभी के लिए ना यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे यार अब, तो आगे की साइड जाते हैं। और यहाँ पर ना एक बच्चा है जिसके लाल बाल हैं, पता नहीं कौन है ये, तो इसकी साइड जाएंगे। चलो यहाँ पर एक डू यू थिंक यू आर ओके, डू यू थिंक यू कैन गेट अवे इन कीपिंग मी लॉक्ड अप इन देयर, यू विल बेटर द थ्रो। इस बच्चे को भी कैद कर लिया शायद से हमारे साथ किसी बंदे ने, किसी नहीं यार विलन्स ने कैद कर लिया हमारे साथ इस बच्चे को भी, और ये बच्चा जो है बाहर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ना एक गार्ड खड़ा हुआ है जो कि इसको जाने नहीं दे रहा, और इसके पास ना एक पोकेमोन भी है तो ये हमें जाने नहीं देगा, तो मेरे पास तो है नहीं पोकेमोन, पता नहीं हम कैसे ही बाहर निकलेंगे इससे। और ये बच्चा आ चुका है, चलो हे हु आर यू ओके स्वैगर, हे व्हाट डिड यू कम फ्रॉम, प्रीटी श्योर आई वॉज माई सेल्फ व्हेन दे थ्रू मी इन हियर, हे यू आर सेइंग टू गॉड सेक्ट हियर मैजिक पोर्टल। और ये बच्चा जो है शायद से इसको भी उपा पोकेमोन ने मैजिक पोर्टल से ही इसको यहाँ पर लाया होगा शायद से, जो उपा पोकेमोन है ना उसको भी यहीं पर लाया होगा, तो हमें ना फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और ये बंदा जो है ना, ये बच्चा जो है, ये हमारा शायद से पड़ोसी है, इसका घर हमारे ही घर के पास होगा। ओके अभी ना हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है, हमारे पास पोकेमोन तो है नहीं कि जिससे हम इसे हरा कर इस बंदे को बाहर निकल सकें, तो शायद से यहाँ पर कोई सीक्रेट रास्ता होगा जिसको हमें ढूंढना होगा, तो अभी के लिए ना ये हमारा राइवल होने वाला है तो इसका नाम रख देते हैं, मैं साथ से इसका नाम रख दूँ रेड, क्योंकि इसके बाल जो है पूरे रेड ही हैं, तो मैं फिलहाल तो मुझे और कोई नाम तो आ नहीं रहा, तो मैं रेड ही नाम रख दूंगा इसका, रेड नाम भी अच्छा है यार वैसे, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, चलो रेड नाम रख देते हैं। डी कहाँ पर गया यार, चलो डी तो ओके, तो अभी के लिए ना मैंने इसका रेड नाम रख दिया है, तो हमें ना यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा अभी के लिए, तो यहाँ पर तो ये बंदा जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता होगा, तो चलो इसके साथ बात करते हैं कि आप तो कोई रास्ता मिल भी जाए। ओके ओके ये बच्चा भी वही कह रहा है कि हमें ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। ओके ठीक है, और यहाँ पर एक रास्ता जा तो रहा है, और यहाँ पर ना कुछ पड़ा है यार, ये क्या यहाँ पर भी पोजिशन है। ओके चलो अभी के लिए ना मुझे एक और पोजिशन मिल चुका है, और यहाँ पर ऊपर की साइड जाएंगे, चलो यहाँ पर ना एक केज, डिड यू हियर दैट स्वैगर, इट साउंड्स लाइक सम पोकेमोन्स, यहाँ पर ना कुछ पोकेमोन्स की आवाज़ आई है, और यहाँ पर ना पिंजरा भी है शायद से, यहाँ पर पोकेमोन्स को कैच कर रखा, और यार यहाँ पर ना कुछ पोकेमोन्स को कैद कर रखा था, लेकिन हमने उनको आज़ाद करवा दिया इन तीनों पोकेमोन्स को। और ये बच्चा जो कह रहा है कि हम ना इन तीनों पोकेमोन्स में कुछ चुन सकते हैं, तो मैंने ना अभी के लिए गिवल पोकेमोन को चुन लिया, क्योंकि यार गार्चोप ना मेरा फेवरेट पोकेमोन है, तो इसलिए ना मैंने गिबल पोकेमोन को चुन लिया, और इसने ना लार्विटोर को चुन लिया, और ये बच्चा जो है हमारा राइवल होने वाला है, तो आगे जाकर हमारे साथ फाइट भी करेगा, तो ध्यान रखना होगा। तो अभी के लिए ना हमारे पास एक एक पोकेमोन जो है आ चुका है, तो अब ना हम उस बंदे को हरा सकते हैं जो कि वो गार्ड होने वाला है और हमें जाने नहीं दे रहा था। चलो ओके अब ना इस बंदे को हरा देंगे, यार इसको पता नहीं है कि हमारे पास भी पोकेमोन आ चुका है, ये ना अपना पोकेमोन दिखा के हमें भगाना चाहता, लेकिन अभी के लिए हमारे पास भी पोकेमोन आ चुके हैं, चलो हम डबल फाइट करने वाले हैं, इसके पास इंके और स्कॉर्पियो होने वाला है, चलो
मेटल क्लो अटैक दे देंगे अभी के लिए इनके को। और भाई साहब जो लार्वी टोर था ना इसका साथ इसने कुछ रॉक थ्रो अटैक करा था भाई, काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दिया। और लार्वी टोर पोकेमॉन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वैसे तो अभी के लिए ना। चलो इनके को तो हमने हरा दिया और इसका ना एक ही पोकेमॉन रह चुका है तो इसको भी हरा देंगे जल्दी से। चलो मेटल क्लो अटैक इसने रॉक थ्रो से ही हरा दिया भाई साहब। लार्वी टोर पोकेमॉन है जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे। और अभी ना इस बंदे को तो हम हरा चुके हैं और ये बंदा जो है हमारा रास्ता रोक ही नहीं सकता और ये बंदा शायद से भाग जाएगा अब, क्योंकि ना इसको अपनी जान प्यारी होगी ना तो ये बंदा भाग जाएगा। चलो हमें जाने देगा कि नहीं जाने देगा बता दो भाई साहब। चलो अभी के लिए ना ये बंदा जो है जा चुका है तो भाई साहब आई एम गेटिंग आउट ऑफ दियर नाउ स्वैगर, आई एम सॉरी यू कैपेबल टू टाकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम हियर, इट्स टाइम ओके। ये बंदा जो है जा रहा है, आई सुन यू होम टू बैट लॉक, ये कह रहा है कि हम जब हम घर पहुंच जाएंगे तब हम बैटल करेंगे। तो मुझे लगा ही था कि ये हमारा पड़ोसी और हमारे साथ फाइट करेगा। तो फिलहाल के लिए ना हम इनके अड्डे से बाहर आ चुके हैं। और भाई साहब ये क्या नाउ बर्न इट, और इनके बॉस ने ना शायद से एक बंदे को जला दिया है भाई साहब। और भाई साहब ये क्या ही कर रहा है, बट ओके वी हैव येट ओ इट इज़ डिफिकल्ट टू अनाउंस द सम क्विकली व्हेन आई हैव एक्सटर्नल सर्च। इनका कोई प्लान चल रहा है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने का, ओके परफेक्ट टाइमिंग, वी हैव मूविंग टू टेम्पेबल, ओके आई एम एनश्योर्ड एज ए वाई टारगेट सीम्स ओके शेडो मिरर्स इन और ये ना सर्च। इनका कोई प्लान है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने का, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी के लिए इनका प्लान जो है बहुत खतरनाक होने वाला है, तो शायद से ना हम इनके प्लान को आगे जाकर ख़त्म कर सकते हैं या फिर इनको हराना शायद से ना हमारा जो मुकाबला होगा इनके साथ आगे जाकर हो सकता है। मुझे लग रहा है कि हमारे साथ इनकी फ़ाइट होगी क्योंकि हमें ना लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बचाना होगा आगे, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि इनका कुछ तो प्लान है यार और हमें ना आगे जाकर इनके प्लान को नाकाम करना ही होगा। तो क्लोज वी आर गेटिंग टू क्लोज सून वोन, अरे भाई साहब कितना भयंकर प्लान लग रहा है इनका। तो अभी के लिए ना मैं इनके अड्डे से बाहर आ चुका हूँ और उसका दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। तो गाइस मुझे लग रहा है ना कि आज के एपिसोड का हमें यही प्रेंट कर देना चाहिए क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो गया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।